आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, सरकार ने अपना काम करना भी लगभग शुरू कर दिया है और इस काम करने के भी समय बीत चुके हैं, लगातार समीक्षाएं भी हो रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, इस नतीजे के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस बार जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। हालांकि बीते दिनों देखा ये जरूर गया कि विपक्षी दलों में कई जगहों पर फूट पड़ी हुई दिखाई दी, नाराजगी दिखाई दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल वाली बीजेपी सरकार का जो ये पहला सत्र हो रहा है, इस सत्र में काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ इसी गहमा गहमी, इसी नाराजगी, इसी खींचतान के बीच उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भी हो रहे हैं 11 सीटों पर। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। ये बजट सत्र की शुरुआत हुई, आज तीसरा दिन था बजट सत्र का। पहले दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से विपक्षी दलों ने विरोध जताया था, उसी तरह से कल जब अभिभाषण के दौरान अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान भी अखिलेश यादव काफी नाराज या उनके विधायक कई मुद्दों पर नाराज दिखाई दिए थे और सरकार से या संसदीय कार्य मंत्री से या सरकार के मंत्रियों से उनकी जवाब तलब जो थी वो हुई थी। और उसी कड़ी में आज फिर से इसी तरह का जो माहौल है वो देखने को मिला है विधानसभा के अंदर, जहां पर शुरुआत उस दौरान हुई जब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कई सारे तीखे प्रहार किए। अखिलेश यादव ने ये कहा कि जनता ने आपकी गर्मी निकाल दी। गर्मी से मतलब आप ये समझिएगा मई जून वाली नहीं, चुनाव का जो नतीजा आया है उस गर्मी पर अखिलेश यादव बोल रहे थे कि आप चुनाव हार गए, मतलब आपकी जो गर्मी थी वो निकल गई। और आपको डिप्टी सीएम बनाया गया, इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद आपको डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी उनकी भी गर्मी निकल गई। तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, पहले तो इस पर चर्चा होगी। ये बयान आने के बाद जाहिर सी बात थी, ये जो लड़ाई थी ये लड़ाई और बढ़ती और वो बढ़ी भी। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान इतनी बढ़ती गई कि एक बार अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बहस इस कदर पहुंची कि वहां पर जो असंसदीय भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया गया। मामला तब का है जब केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि आप लगातार विकास की बातें करते हैं और अखिलेश यादव ने यह कहा कि जब आप बीती सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे तो आपके गृह जनपद की जो सड़क है वो भी सपा सरकार के समय बनी हुई थी, उसको भी आप सही नहीं करवा पाए थे। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप लगातार सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है कि आप सैफई की जमीन बेच करके इन सब चीजों का निर्माण करवा रहे हैं या आपने निर्माण करवाया हो। इसी पर अखिलेश यादव इतना नाराज हो गए कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तू या तुम वाली भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह भी कहा कि आप लोगों की तरफ से जो लोगों को राशन दिया जा रहा है या तुम लोगों की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है, क्या तुम वो पैसा अपने पिता के घर से लाते हो। ये विधानसभा की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में लगभग सभी लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी और वो ये भी देख रही होगी कि हम जिन नेताओं को चुन करके सदन में भेज रहे हैं, जिनसे उम्मीद ये है कि वो हमारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो नेता आखिर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि जिससे ये लग रहा है कि ये कोई सदन की कार्रवाई नहीं, किसी गली मोहल्ले की लड़ाई चल रही हो। हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी अहम चीज ये है कि 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। ये 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को जिता ले जाएगी और 3 पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को जिता ले जाएगी। बचती है एक सीट और इस एक सीट पर चुनाव होना है अगर कैंडिडेट उतारा जाता है तो। अगर बीजेपी 8 कैंडिडेट उतारती है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी
कि तीन कैंडिडेट रहेंगे और वहां पर चुनाव नहीं रहेगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी चौथा कैंडिडेट उतार देती है तो यहां पर चुनाव हो जाना लगभग संभव है, और उस चुनाव में कौन किस कदर किसे वोट देगा यह भी देखना अहम है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होगी तभी कैंडिडेट जो 11वां होगा वो जीत करके जाएगा। फिलहाल अभी तक का गणित तो यह कहता है कि 37-37 वोट चाहिए और उसके बाद इन दोनों ही राजनीतिक दलों के पास 14-14 वोट जो है वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और राजनीतिक दल हैं जिनके पास कुछ वोट हैं, जिसमें कांग्रेस की बात कर ली जाए या जनसत्ता दल की बात कर ली जाए, बीएसपी की बात कर ली जाए, तो आखिर इनके वोट किसकी तरफ जाएंगे इस पर चर्चा विचार विमर्श लगातार चल रहा है। फिलहाल राज्यसभा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बीजेपी में इस पर खींचतान मची हुई है और समाजवादी पार्टी में भी, क्योंकि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये उम्मीद बना रखी है कि हमने लंबे समय से लड़ाई लड़ी है, संगठन को मजबूत किया है, लिहाजा इस बार हमें जगह मिल जाएगी राज्यसभा जाने के लिए। उसमें शिव प्रताप जी का भी नाम है जो पुराने भाजपाई नेता सीनियर नेता रहे हैं, संजय सेठ का भी नाम है। जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण साधने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही है। कहा जा रहा है कि 24 का चुनाव है तो ऐसे में कैंडिडेट्स उन्हीं को उतारा जाए जो जनता के बीच जाकर के ये बता सके कि देखिए हम आपके बीच के व्यक्ति थे और हमें राज्यसभा भेजा गया है, आप अपना वोट हमें 24 के चुनाव में जरूर दीजिएगा। तो ये भी एक प्रयास है माइंड सेट करने की कोशिश और कैंडिडेट सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में 3 सीटें हैं जिस पर वो अपने कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन वहां पर कैंडिडेट्स की संख्या 300 है। तो ये भी कहा जा सकता है कि 3 अनार हैं और 300 बीमार हैं। लगातार नामों पर चर्चा विचार विमर्श चल रहा है। फिलहाल आज 2 लोगों ने अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया है राज्यसभा के लिए, और पहला नाम उसमें है कपिल सिब्बल का। आप सबको अब तक ये जानकारी पहुंच गई होगी। कपिल सिब्बल कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, देश के जाने माने वकील रहे हैं, और आजम खान का भी केस उन्होंने लड़ा है। तो आखिर कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी की तरफ से सपोर्ट करके राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो क्या उसमें आजम खान कारण है या फिर कांग्रेस से कोई ऐसी बात बनी है जिस पर समाजवादी पार्टी ने मुहर लगाई है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस के पास महज 2 वोटर हैं, और अगर कपिल सिब्बल कांग्रेस के नाम पर राज्यसभा चुनाव लड़ने आते तो उनके पास प्रस्तावक तक नहीं रहते, क्योंकि 10 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लेकर के क्या कांग्रेस का वोट भी वो अपने पाले में खींचेंगे और उसके बाद राज्यसभा जाएंगे? क्या वो चौथे प्रत्याशी हैं जिन पर चुनाव होना है? और क्या इनके अलावा 3 और कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से? एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल भी हुआ है जावेद अली का, पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और पश्चिम के बड़े नेता हैं, मुस्लिम लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। तो क्या आजम खान जो समाजवादी पार्टी के सीनियर मुस्लिम नेता रहे हैं और ये कहते आए हैं कि मुस्लिमों का वोट अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में आता है तो सिर्फ आजम खान की वजह से, यहाँ पर जावेद अली को कैंडिडेट बनाना किस सोच के तहत ये फैसला लिया गया है, इन सब चीजों पर चर्चा होनी जरूरी है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और वो दृश्य भी देखिए जब आज सदन में उस दौरान बहस हुई थी अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की। पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूँ कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए, तुमने राशन दादा है तो पिताजी क्या बात है। देखिये हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रही है, बनी है, तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में
रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है निर्दलीय क्या भरा? अच्छा निर्दलीय As an independent, I'll be going after I'm deeply, deeply grateful for your donations. I also wish to convey my gratitude to others. इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ नितेंद्र सिंह कांग्रेस माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिवाकर जी आपके पास आना चाहूँगा, ये आज सदन में एक गहमा गहमी देखने को मिली अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य की, अखिलेश क्यों नाराज हो गए पहले तो ये जानना चाहूंगा, दूसरी चीज राज्यसभा चुनाव के लिए आप लोग किसको किसको नामित करेंगे और किसको राज्यसभा भेज रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, तो कुछ इस पर प्रकाश डालिए। नितिन जी, जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के शब्दों को आपने भी देखा, हमने भी देखा है, पूरा देश देख रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर कमेंट किया है, जवाब दिया है कि जब एक सम्मानित वो भी डिप्टी सीएम हमारे प्रदेश के बोल रहे हैं तो बीच में रनिंग कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। और जो भाषा हम नहीं कहते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने सम्मानित भाषा का ही प्रयोग किया है व्यवहारिक बातों में कि भाई ठीक है सदन की भाषा है, सदन में चर्चा होती है तो इस तरह के वक्तव्य आना लाजमी है और आया भी कि सरकार जो करती है सरकार चलती है प्रदेश की जनता के नाम पे, प्रदेश की जनता के लिए चलती है, प्रदेश के लोगों के लिए काम करती है, पर्सनली सरकार नहीं चलती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा सम्मानित भाषा ही कहा है, ठीक है कि जो भी किए हैं हम जनता से लिए हैं, जनता को दिए हैं, जनता के देने के लिए हम बने ही बने हैं। एक हम सरकार, एक सरकार होती है, एक व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले राजा रजवाड़ा चलाते थे, छोटे छोटे कुनबे थे, उसी का संशोधित रूप पूरे विश्व में आज है। हर जगह कहीं राजतंत्र नहीं रह गया है, हर जगह जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई है, उनके प्रतिनिधि अपनी बात कर रहे हैं। हम डिप्टी सीएम साहब की बातों का सहमत हैं कि जो भी बना है आप सरकार किससे बनवाए हैं, सरकार के लिए बनवाए हैं और सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बार बार कहना मैंने किया मैंने किया, ठीक है आप नहीं किए ना, वो सरकार आपकी की, आप मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री आप सब किए, यही तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि आज आप एज ए मुख्यमंत्री जब रहे तो किए और मैंने बनवाई तो मैं कोई व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा ना, मैं जो बोलूंगा तो पार्टी के नाम पे बोलूंगा ना, मैं क्या हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मेरी मत तो है, मैं बैठा हूँ, व्यक्तिगत मैं तो बैठा नहीं हूँ, तो जो भी है मैं पार्टी के लिए है, आप मुख्यमंत्री रहे तो पार्टी के लिए रहे। और भाषा आप देख रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब के बीच की जो कमेंट्री रोक करके और किस तरह से, हम नहीं कहेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं सम्मानित है, लेकिन भाषा संयमित होने जो सबको प्रिय लगे, कर्णप्रिय लगे, आप तो उसी का प्रतिउत्तर कर रहे हैं, जैसे आपने कमेंट में कहा कि गली की झगड़ा ये तू मैं ठीक नहीं होता है, उसको आप सुनने के बाद अपना जवाब देते, जो पर व्यवस्था है सदन की व्यवस्था है पूरा उनके कमेंट उनके सुन लिए होते, उनके वक्तव्य को सुन लिए होते, बाद में आप भी पहले भी कहे थे और बाद में भी कहते, आई जे डी उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो आरोप लगाए थे, ठीक है तो उसी का जवाब दे रहे थे ना डिप्टी सीएम साहब, ठीक है वो तो उस बीच में नहीं बोले जब आरोप लगा रहे थे, तो बाद में जब उनका समय तब ना बोले, फिर आप सुन लिए होते पूरी बात, उसके बाद जवाब देते। हम हमारी जो सोच है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब माननीय महाराज जी ने भी यही कहा है कि बीच में कमेंट्री भी ठीक नहीं है और तू मैं की भाषा ठीक नहीं होती है, और सदन की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। ये राज्यसभा वाला भी कुछ बता दीजिए, कपिल सिब्बल ने आज नॉमिनेशन किया है, कांग्रेस के थे, आज समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। देखिए अभी मैं कपिल सिब्बल का बयान सुन रहा हूँ, अपने को इंडिपेंडेंट घोषित किए हैं और सपा की तरफ से एक जो सोशल मीडिया में लिस्ट चल रही है, दो तो नामांकन ही हो गए, तीसरी जो है सपा की नहीं हो सकता है कि कपिल सिब्बल चौथे, आप ऐसा कैसे कह सकते? अभी अभी जो तीन नाम आए हैं, चौथा नाम अभी सपा की तरफ से सोशल मीडिया में नहीं आया है,
तीन ही नाम आए हैं जिसको आप भी जानते हैं, दो नामिनेशन हो गया, एक पारिवारिक नाम है जिसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन होगा क्या जब रिजल्ट आ जाएगा तब? अनुमान लगता है शायद जयंत चौधरी को ले आए भाई, हमारी उनके 8 विधायक हैं। हमारी बात सुनेंगे आप? हम लोगों का ये स्तर नहीं कहें कुछ डिसाइडिंग टेबल पे हम नहीं बैठते हैं। डिसाइडिंग टेबल पे किसको जाना है किसको नहीं जाना है हमारे वरिष्ठ नेता बैठते हैं और उनका ही वक्तव्य आएगा तो हम जानेंगे। ठीक है, तो उस डिसाइडिंग टेबल पे हमारे जैसे स्तर के नेता नहीं बैठते हैं। जब आएगा तो आपके माध्यम से आएगा और सीधे हम लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। कपिल सिब्बल वाला क्या कह रहे थे? कपिल सिब्बल अपने तो अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया जाने की साइकिल की सवारी कर रहे हैं और सपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है, तो दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन अभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता है सपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, जल्दी से सर, एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री इसके पहले मायावती जी के साथ सतीश शर्मा जी का नाम जुड़ा था, उनके बैरिस्टर लोगों से और अच्छे तालुका थे, पारिवारिक थे, जन चर्चा थी, जाना नहीं चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, देश के माने जाने वकील हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वकील हैं और इनकी राय अंतर्राष्ट्रीय भी ली जाती है, इसलिए कपिल सिब्बल जैसे विद्वान आदमी के बारे में हमारे जैसे लोगों को कमेंट कोई नहीं करना है। ऐसे लोग आए सदन में, हम लोग चाहेंगे विद्वान लोगों की सदन होती, विद्वान लोग आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितेंद्र यादव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं नितिन जी की आवाज नहीं मिल रही। आरिफ महमूद हमारे साथ अरेली से हैं। आरिफ भाई, दो विधायक वाले कांग्रेस वालों ने हालांकि ये तो नहीं बताया कि वो किसी को उतार रहे हैं, लेकिन उनके बीच के एक सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से कैंडिडेट बन रहे हैं राज्यसभा में। आपके तो 8 विधायक थे, कोई नहीं है क्या? देखिए नितिन भाई, राष्ट्रीय लोक दल से राज्यसभा का कोई प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, और ये भी कोई ऑथेंटिक रूप से नहीं है कि समाजवादी और उनके बीच में क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, ये भी हम आपको नहीं बता पाएंगे जी। और आज भी मैं पार्टी कार्यालय में था, वहाँ पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। तो बहरहाल अब ये तो समाजवादी जाने कि भाई वो कपिल सिब्बल जी को किस रूप में लेकर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो भी एक दो रोज के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चर्चा चल रही थी आरिफ भाई कई दिनों से कि जयंत चौधरी भी राज्यसभा जा सकते हैं, चुनाव के दौरान भी चल रही थी, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई अभी, तो उनका भी ये कहना था कि यहाँ चर्चा तो चल रही थी। नहीं देखिए, अब हम लोग तो हमारी पार्टी में तो ये शुरू से ही था कि जयंत जी राज्यसभा नहीं जाएंगे, जयंत जी चुन करके जाएंगे, 2024 का चुनाव लड़ करके लोकसभा जाना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई बात की नहीं। मगर हाँ ये है कि आपस में लोग हवा उड़ती थी कि जयंत जी यहाँ जाएंगे, अब तरह तरह की बातें होती रहती है, ये तो साहब अब इसको क्या कहा जाए। बहरहाल अभी मैंने देखा कि सदन के अंदर किस तरीके की तू तू मैं हो रही थी। देखिए नितिन जी, इस लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए जी। विरोध की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, मगर नितिन जी कोई तो जगह एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ विरोध करते समय भी शब्दों में शालीनता होनी चाहिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, भाई आप माननीय अखिलेश जी की बातें आप सुन लेते, सुनने के बाद आप अपनी बात वहां पर रख लेते, कोई आपको व्यक्तिगत रूप से तो कहा नहीं जा रहा था। अब वो अपनी बातें कह रहे थे, इस तरीके की टूटू मैंने होना सदन के अंदर अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इन चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं, तो यही बात तो आरिफ भाई, यही बात तो दिवाकर जी कह रहे थे कि अखिलेश जी को सुन लेना चाहिए था, वो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे थे। नहीं ठीक बात है, ये दोनों तरफ से ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, सुन करके अपनी बातों को रखना चाहिए। मगर हाँ कहीं कहीं पर ईगो ऐसी बात हो जाती है कि बात करते करते व्यक्तिगत भी हो जाता है कि आपने हमको कह दिया, हमने आपको कह दिया, उसमें टू टू मैं बढ़ जाती है। खैर बहरहाल ये है कि ये देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर हमें और आपको इन सब, हमें और आपसे मतलब ये कि जो माननीय सदस्य लोग वहां बैठे हुए हैं, उन सब लोगों के इस तरीकों की बहस से बचना चाहिए। वहां पर सार्थक बहस होनी चाहिए, वहां पर जनता के प्रति बहस होनी चाहिए, महंगाई पर, विकास पर, मुद्दे पर, इस तरह की सारी चीजें बहस होनी चाहिए। और ईमानदारी से देखिए, सत्ता पर पिछले 5 साल ये सत्ता में रहा है, उस सत्ता को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर ईमानदारी से अपनी बात कहनी चाहिए कि अगर पूर्व की सरकारों ने कुछ किया है, उसको हमने उद्घाटन कर दिया ले जा करके, उसको हमने पूरा कर दिया, तो ईमानदारी से कहना चाहिए कि भाई पूर्व की सरकारों ने ये सरकार ये काम को छोड़ करके गई थी और मैंने इसको आगे बढ़ाया है। इस तरह की बातें होनी चाहिए, ठीक है, भाई ऐसा इतना विरोध नहीं होना। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। नितेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। नितेंद्र जी आवाज मिल रही आपको? नितेंद्र जी आवाज मिल रही मुझे आपको मेरी?
नितिन जी, सवाल ये है कि आज आप लोगों ने कपिल सिब्बल को कैंडिडेट बना दिया, बताया जा रहा था कि आप तीन लोगों को राज्यसभा भेज सकते हैं, तो क्या माना जाए कि ये तीन में से एक है या चार आप लोग उतारेंगे, चार में से एक है? देखिए अभी जो नाम, तीन नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं, हाँ। अभी तो नहीं, अभी तीन तो कहाँ की, अभी तो दो ही नाम डिक्लेयर हुए हैं, दो का नॉमिनेशन हुआ है, तीसरा तो अभी भी नहीं पता। चलिए वो अब आधिकारिक रूप से वो तीसरा नाम भी फाइनल हो गया है, बता दीजिए तो थोड़ा हमें भी जानकारी मिल जाए। नहीं, आप वो पार्टी से ही प्रेस नोट आपको मिलेगा, ठीक है, और हम लोग चौथा कैंडिडेट भी देंगे, वो रणनीति के तहत अभी कल तक तय हो जाएगा, और उसमें हमारे अलायंस पार्टनर उन लोगों से भी उस पर चर्चा होगी और उस पर हो जाएगा। लेकिन आज की जो स्थिति रही, आपने जो सदन में स्थिति देखी, भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बौखलाहट कहाँ जा रही है। सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन इसके बाद ये आगे की जो हताशा इनकी है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का आक्रामक तेवर सदन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, और सच्चाई का जिस तरीके सामना करते हुए सदन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग अगर सदन में जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम शालीन भाषा का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये दिवाकर सिंह जी बीजेपी से बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी कहा कि अखिलेश यादव को सुन लेना चाहिए था, वो क्यों इंटरप्ट कर रहे थे बार बार, ये नहीं होता है कार्रवाई के दौरान। आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे, आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे वो सुनेंगे, आप सदन की मर्यादा के अनुसार संसदीय भाषा में बात करेंगे, पर्सनल टिप्पणी करेंगे आप? क्यों ये केशव मौर्य 56 मुकदमों का अपराधी ये इस तरीके की भाषा बोलेगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान सम्मान, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी, इनके पिताजी तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, वो स्वयं 25 साल की उम्र में सांसद हो चुके थे, तो 39 साल में जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री और 44 साल में पूर्व मुख्यमंत्री हो जाता है, उसकी लोकप्रियता और उसके मान सम्मान का भी कोई ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? केशव मौर्य जैसे लोग जो 56 मुकदमों के अपराध से घिरे हुए हैं, ये लोग अपनी उसी टपोरी भाषा में आ जाएंगे सदन के अंदर, इनकी भाषा का जवाब सदन में भी दिया जाएगा, सड़क में भी दिया जाएगा। ठीक 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 है सर, ठीक है। शैलेन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। शैलेन जी, कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन आज फाइनल हो गया, उन्होंने बताया कि 16 तारीख को ही मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, निर्दल के रूप में वो जाएंगे, तो अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी तीन कैंडिडेट्स उतारती है तो कपिल सिब्बल का तो फाइनल हो जाएगा, क्या अगर ये चौथा कैंडिडेट भी उतारेंगे तो आप लोग वोट देंगे? कैंडिडेट का कहाँ क्या तय हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये अभी बहुत सी बातें गर्भ में है, समय के गर्भ में जी। तो एक तो विषय ये हो गया, दूसरा कौन कैंडिडेट क्या रहेगा वो अभी पार्टी सामने ला करके बताएगी क्या कैसे क्या होगा, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक विवाद चल रहा है आज हाउस की कार्यवाही में मैं देख रहा था, जिस तरह से भाषाई मर्यादा का जो है प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाला दिन था, बहुत ही मतलब निहायती वाहियात सबके लोगों ने किया है। नहीं, ये दिवाकर जी कह रहे हैं अखिलेश जी की गलती थी, नितेंद्र जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की गलती थी, आपकी नजर में किसकी गलती थी? देखिए दोनों ही लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, दोनों की गलती थी, दोनों की गलती थी, ना तो उन्हें बीच में टोकटाकी करनी चाहिए थी और ना उन्हें ये सब बोलना चाहिए कि जो है सैफई बेच कर दिया है, तो बेच कर तो किसी ने नहीं दिया है, और भारतीय जनता पार्टी तो रोज कहती है मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये यहाँ बना दिया, मोदी जी आए तो पहली बार हुआ, तो इसके रिप्लाई में कभी कोई ये तो नहीं कहता क्या तो बेच कर लाए हैं। दिवाकर जी अभी कह रहे थे कि अखिलेश जी थोड़ी ना बनाए, वो तो सरकार ने बनाया है, बात उन्होंने कही कि अखिलेश ने सरकार ने बनाया है, मगर ये बात नहीं कही, उन्होंने कहा सैफई बेच कर दिया है, मतलब आप जब देखिए अगर आप व्यंग्यात्मक बोलेंगे या आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो सामने टिप्पणी सामने वाला भी करेगा, मुझे लगता है कि दोनों ही लोगों को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं उन लोगों के आगे बहुत छोटा अदना सा जो है सिपाही उपकार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी भी भाषाई मर्यादा अगर अच्छी होगी
तो आप समाज को संदेश देंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो है भाषा का प्रयोग करना हाउस के अंदर उचित बिल्कुल भी नहीं था, और अपने अपने समाज को या सर्व समाज को, क्योंकि आप दोनों ही लोग मुख्यमंत्री के पदों पर हैं, एक डिप्टी सीएम है और एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके का बयानबाजी और इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में इस तरह का गंदा असर जाएगा। वैसे भी इतनी विघटनकारी बातें हो रही हैं, इतनी नफरत फैलाई जा रही है, इस दौर में लोगों को सदन में बहुत मोहब्बत की बात करनी चाहिए थी, ये मुझे लगता है कि दोनों। अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहा था कम शब्दों में, क्या पहले भी कोई चर्चा हुई थी आप लोगों की कपिल सिब्बल साहब को लेकर के समाजवादी पार्टी कांग्रेस में, या फिर कुछ अंदरूनी चर्चा हुई थी कि हाँ ऐसा होना है? देखिए नितिन जी, ये पार्टी के अंदर की बात हो सकती है, और जो बात चर्चा हुई होगी अंदर हुई होगी, सार्वजनिक कुछ चीजें अभी कुछ सामने है नहीं, तो इस पे टिप्पणी करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। ठीक ठीक, ये अभी सामने आएगा। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, सबकी बातें आपने सुनी और मुद्दा भी आपको पता ही है कि आज सदन में क्या हुआ, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल या राज्यसभा चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी नजर में आज की कार्रवाई या फिर आज की कार्रवाई के दौरान जो भी चीजें हुई उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, राज्यसभा चुनाव ये बहुत अहम है, 10 सीटें तो लगभग फाइनल है, क्या आपको लगता है कि चुनाव हो सकता है 1 सीट पर? देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो जो आज विधानसभा के अंदर हुआ वो अमर्यादित था। अब इसके अंदर चाहे मेरे सपा के प्रवक्ता हों या चाहे जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की गलती थी, चलिए हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला उनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन शायद मेरे साथी प्रवक्ता लोग ये भी नहीं जानते कि जब भी असंसदीय मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको संसदीय कार्रवाई से हटा दिया जाता है। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को और पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को अगर कंपेयर किया जाए तो मैं समझता हूँ वो मुख्यमंत्री रह चुके थे इस प्रदेश के, तो उन्हें थोड़ा सा संयम का परिचय देना था। अगर उन्हें विरोध दर्शाना था, केशव प्रसाद मौर्य की आपत्तिजनक जो टिप्पणी थी उन्हें लगा कि ये टिप्पणी गलत है, तो उन्हें उनके बोलने के बाद में अपना विरोध दर्शाना था, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोल भी दिया था कि दोनों की भाषा अमर्यादित थी, और उन्होंने विधानसभा स्पीकर से निवेदन भी किया कि माननीय इस कार्रवाई के अंदर से इस टिप्पणी को हटा दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी अपनी गलती लेना ही नहीं चाहती। अभी जस्ट डिबेट जब शुरू हो रही थी, आपने भी सबकी बातें सुनी, मैंने सपा प्रवक्ता भाई नितिन यादव जी की बात, उन्होंने क्या शब्द का उच्चारण किया, केशव प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति उल्टा पुल्टा बोलेगा, उसके जैसा लोग कुछ भी बोलेगा। अभी इन्होंने जिस प्रकार बदतमीजी का परिचय दिया, डिप्टी सीएम वो भी संवैधानिक पद पे हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सदन की कार्रवाई के अंदर जो हुआ वो तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बोल दिया कि नितेंद्र यादव ने इस शब्दों का प्रयोग कर दिया, इनको भी तो कम से कम सोचना चाहिए। तो ये होता है समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र। अब आते हैं राज्यसभा चुनाव के ऊपर। कपिल सिब्बल जी एक बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के नेता थे, आज उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, जैसा कि सोशल मीडिया के अंदर शाम के टाइम पे वायरल भी हुआ और उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं। अब वो कांग्रेस में नहीं है, अब अगर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उनके साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए थे और प्रस्तावक के रूप में 10 विधायकों का साइन चाहिए उसके ऊपर। समाजवादी पार्टी के विधायकों के अलावा उनको किसने साइन दिया 10? जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही विधायक है, तो बाकी के 8 तो साइन करने वाले या तो विपक्ष के लोग ही रहेंगे, चाहे वो सपा रहे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी रहे, चाहे जो भी रहे, रहेंगे तो विपक्ष के। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है, वो भी देखने वाला 3 कैंडिडेट्स में से या चौथा कैंडिडेट, मुझे लगता है कि शायद चुनाव की नौबत आ जाए, अभी तक की जो परिस्थितियां लग रही है उस हिसाब से, क्योंकि सुबह तक का जो माहौल था उस समय ये सिनेरियो बन रहा था कि जावेद अली जाएंगे, डिंपल यादव जी जाएंगी और कपिल सिब्बल जी जाएंगे, लेकिन उसके बाद नॉमिनेशन भरने के बाद में जो सिनेरियो उभर कर आया उसके अंदर ये मैसेज जा रहा है कि कपिल सिब्बल जी निर्दलीय लड़ेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से 3 कैंडिडेट देगी, जो चौथा कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी लड़ाई होगी। जयंत चौधरी का नाम भी कुछ हो सकता है, शायद हो भी सकता है, अब ये तो 8 विधायक हैं उनके, बिल्कुल बिल्कुल उनके 8 विधायक हैं और शायद ओम प्रकाश राजभर जी के भी 6 या 7 हैं, तो ये हो सकता है इनके जो भी घटक दल उसके अंदर वो बैठ के चर्चा करें, लेकिन अगर चुनाव होता है तो लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने 3 विधायक अपने 3 राज्यसभा सदस्यों को भेज देगी और भारतीय जनता पार्टी अपने 7-8 भेज देगी, 7 भेज देगी, तो जो 1 सीट बचेगी तो उसके हिसाब से इनके पास भी 14 बचेंगे बहुमत का वोटिंग का, और इनके पास समाजवादी पार्टी के पास भी इनके गठबंधन दलों को मिला के 14 ही बचेंगे।
तो यहाँ पे क्रॉस वोटिंग होगी, कौन सा विधायक किसके पाले में अच्छा, जाएगा। एक चीज और है सर इसमें, इसके अलावा दो कांग्रेस के वोटर हैं, शैलेंद्र तिवारी जी बताएंगे कहाँ जाएंगे, और दूसरे एक बसपा वाले भी हैं, तो क्या ये भी क्रॉस वोट कर सकते हैं या ये सब विपक्ष में जाएंगे? देखिए जिस प्रकार से, जिस प्रकार कपिल सिब्बल जी ने बोल दिया कि मैं कांग्रेस के अंदर नहीं, अब ये कांग्रेस के आला कमान इसके अंदर तय करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो बार बार यही बात बोलते आ रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से इनको लड़ना है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो दोनों विधायक है कांग्रेस के, वो कपिल सिब्बल के फेवर में जाएंगे या विपक्ष के साथ में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो उमा शंकर सिंह जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उनका स्टैंड भी धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। अगर भाजपा को हटाना है या भाजपा से अगर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके विपक्ष के खेमे में जाएगा, या फिर हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव से किनारा ही कर ले, वो वॉकआउट कर दे, वोटी खराब कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के दोनों विधायकों का कदम देखने लायक होगा। ठीक है, दिवाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सारी बातें आप सुन लिए, सपा के बड़े नेता बड़े मुखिया और हमारे सामने जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनकी भाषा समान ही कही जाएगी। जरा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी भाषा में संतुलन असंतुलन देश देख रहा है, लेकिन इनको तो सोचना चाहिए, जो हमारे सपा के बैठे हैं इनको तो उससे सीख लेनी चाहिए। हमारे सीएम साहब ने दोनों लोगों कहा कि अमर्यादित भाषा है, सीएम साहब ने कभी नहीं कहा कि नहीं केवल एक की अमर्यादित भाषा है, दोनों को उन्होंने नसीहत दी है, लेकिन इनको कौन नसीहत देगा? अब हमारे डिप्टी सीएम का फैसला ये करेंगे, उनके चरित्र के बारे में कर रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए और इनकी भाषा सुन लीजिए। हम मानते हैं अखिलेश जी की भाषा तुम तड़ाम की होगी, उनके तरफ पश्चिम में होती है, लेकिन ये महोदय कहाँ के हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो इनकी भाषा तो इस डिबेट में सुनने लायक नहीं है, तो इनके साथ बहस करने के क्या उचित बनता है? जिसको ये पता ही नहीं कि मैं वर्तमान डिप्टी सीएम के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, अरे कम से कम उस स्तर के आप होते, उस सैलरियों के होते, वो आपका रहता स्तर तो आप कहते, हम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं कहें, हमारे पूरे बड़े नेता जवाब दिए हैं, हमारे बड़े नेता माननीय सीएम साहब ने जवाब दिया है, कहीं नहीं कहा कि नहीं अच्छा नहीं। भाषा है, संसदीय भाषा में कभी कभी शब्द निकल जाते हैं जिसको वापस ले लिया जाता है। संसदीय भाषा में बहुत सा देखा गया, मतलब केंद्र सरकार की भी देखें कार्रवाई, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई देखें, जबान फिसलना ये मानसिकता नहीं है, किस तरह की भाषा बोलना, बोलते बोलते कुछ बातें आ जाती हैं जिसको आदमी बैग में कर देता है। ये जो प्रकरण हुआ, ये जवान सुन लीजिए, आ रहा हूं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। और आप पहले सुनिए, इसके पहले हमारे डिप्टी सीएम साहब को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, गर्मी निकाल देंगे, इनकी गर्मी निकल गई, इस तरह की व्यंग आप कर रहे हैं, आप शुरू किए व्यंग आप करना, गर्मी निकल गई, चुनाव हारना जीतना, तो ममता बनर्जी भी चुनाव हार गई थी, चुनाव हारना जीतना आपके पास में नहीं है, चुनाव तो मुख्यमंत्री अजय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीएम हार गए थे। चुनाव हारना जीतना और पार्टी में अपना फोकस और पार्टी की कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारा पार्टी में क्या है, दायित्व तो क्या है, हम कितने भी है नेता सदन होता है, जनता ठीक है कोई कमी रही, तुम्हारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं चुनाव जीत पाए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत पाए, इसका क्या भाषा का उदाहरण है भाई? चुनाव जीतना तो एक सामाजिक समीकरण, और सामाजिक के मैं खुल के कह दूं जाति समीकरण भी कुछ काम कर जाता है। ठीक है दिवाकर जी, नितिन जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए फिर आता हूं। हां नितिन जी क्या कह रहे थे आप बताइए। हमने कहा, दिवाकर जी बार बार कह रहे हैं, संसदीय परंपरा में ऐसे शब्द होते हैं जो जबान फिसल जाती है, ये जबान फिसलने वाला शब्द था क्या माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, कि आप सफाई से बेच करके काम कराएं? ये जो रोज दम भरा जाता है कि हम इतने किलो राशन दे रहे हैं, हम इतना विकास का काम कर दिए, हमने इतनी कल्याणकारी योजनाएं, तो ये क्या केशव मौर्य जी अपने संसदीय क्षेत्र की अपने घर की खेती बेच करके या मनरेगा में नौकरी करके उससे कमा रहे हैं? आप कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसको स्वीकार किया, हमने इसको स्वीकार किया, और इसके पहले आप मुझे व्यक्तिगत रूप से नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको व्यक्तिगत तो दे रहा हूं, आपकी पार्टी जरूरत नहीं है, मैं आपके पार्टी को नहीं दे रहा, आपके पार्टी में अच्छे विद्वान है, लेकिन व्यक्तिगत आज आपको नितेंद्र यादव जी के नाम नसीहत दे रहा हूँ, आप दिवाकर सिंह के नाते मैं इस बोलने का अधिकारी नहीं हूँ कि आपके पूर्व सीएम साहब के खिलाफ मैं कुछ बोलूँ, वो बड़े नेता बड़े स्तर पे जवाब देंगे, हमारी जो हैसियत है हमारा जो पोर्टफोलियो उस हिसाब से हम किसी को दें जवाब और किसी को नसीहत दें। और इसके पहले पूर्व डिप्टी सीएम को इन्होंने एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा बताइए, उसमें तो डिप्टी मिनिस्टर हमारे नहीं कुछ कहे, अपनी बारी पे उस बात का जवाब दिए,
इसमें कहीं कुछ नहीं ऐसा है कि, और उसके बाद सीएम साहब से बड़े कोई नहीं है, संसदीय दल के नेता ने कह दिया कि दोनों लोगों की भाषा अमर्यादित थी। ठीक है, ठीक है, तीसरे बार जाता क्या आप ले सकते हैं। ठीक है दिवाकर जी, ठीक है। सुभाष जी आप कुछ कह रहे थे, एक चीज और उसमें जोड़ लीजिएगा, क्या अखिलेश यादव सदन में अकेले हैं इस वजह से इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी उन्हें दिख रही है? बिल्कुल नितिन जी, मुझे तो लग रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई को देखकर ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि वो पूरी तरीके से अकेले हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर के नेता के तौर पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन जब जब वो आक्रामक होते हैं तब तक उनकी कार्यशैली को देखकर बगल में पीछे वाली सीट पे राइट साइड या लेफ्ट साइड बैठे हुए शिवपाल सिंह यादव जी मुस्कुराते रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर उनका साथ नहीं देते हैं, दूसरे जो आरएलडी के जो विधायक वगैरह बैठे हैं वो कोई साथ नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा की कार्रवाई को देख रही है कि वो अकेले बैठे हैं, गठबंधन के सहयोगी उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको। दूसरा, मैं यहाँ पे नितेंद्र जी से एक सवाल पूछूंगा, जिस प्रकार अभी दिवाकर भैया ने बोला कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जबान से निकल जाता है फ्लो फ्लो में, नितेंद्र जी ने बोला है कि इसका मतलब क्या है कि जो आदमी जबान, मतलब जिसने बोल दिया मुझसे जबान फिसल गई, तो वो जबान फिसली नहीं, वो जानबूझ के बोलता, ऐसा इनका कहना था अभी जस्ट इन्होंने डिबेट के अंदर बोला, तो मेरा इनसे सवाल है कि इनकी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रेप वाली घटनाओं पर एक बयान दिया था कि लड़के हैं या बच्चे, बच्चों से गलती हो जाती है, उस समय उन्होंने बोला था कि मेरी जबान फिसल गई थी, यानी नितेंद्र जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जबान फिसलती नहीं है, वो बोली जाती है जानबूझ कर बोली जाती है। अब इसमें कितना सच है नितेंद्र जी बताइए। नितेंद्र जी जल्दी से पूरी कीजिए बात, फिर शैलेंद्र जी के पास चलूंगा। हाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से ये विचारधारा का फर्क है। लगातार नेताजी ने कहा कि समाजवादी लोग किसी भी फांसीवाद के खिलाफ है, कानून में आईपीसी में बहुत सारे कठोर दंड का प्रावधान है और लंबे समय से फांसी के प्रावधान के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा रही है। नेताजी ने उस समय फांसी की घटना के संदर्भ में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की फांसी नहीं होनी चाहिए और भी कठोर कारावास की सजा है वो हो सकती है, लड़के हैं गलती हो जाती है। राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया था जब कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी तो आतंकियों के घटना के खिलाफ, तब भी तो आदरणीय राजनाथ सिंह ने भी तो कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। किस तरीके की संदर्भ में बयान दिया था, फांसीवाद के खिलाफ है, ये फांसीवाद पर बयान दिया था नेताजी ने, रेप की घटना पर जवाब नहीं दिया था, फांसी पर कानूनी कार्रवाई हो, लोगों को कठोर कारावास हो, इसके बहुत सारे प्रावधान आईपीसी सीआरपीसी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी फांसी विचारधारा है फांसीवाद और समाजवाद, तो ये वैचारिक लड़ाई है, तो आदरणीय नेताजी ने फांसी पर संदर्भ में बयान दिया था कि किसी भी तरीके की फांसीवादी विचारधारा का विरोध समाजवादी पार्टी करती है, फांसी के अंदर लड़कों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रेप की घटना से जोड़ते हुए इस तरीके की चर्चा करते हैं। आपके उस शब्द के नाते कितनी घटनाएं बढ़ी ये आपको अंदाजा है, और नेताजी ने, माननीय नेताजी ने उसको वापस भी नहीं लिया, ये क्या बढ़ावा है? सरकार हमारी मांगने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे, अभी सदन में कल उनका बयान आया, अपराध पे कोई समझौता नहीं करेंगे, अपराध चाहे कोई करेगा समझौता सरकार नहीं करेगी, और आप क्या देख करके अपराध पे समझौता होता था, आप क्या बताएंगे अपने फांसीवाद को, आप क्या समाजवाद को बताएंगे? समाजवाद के लोहिया साहब का एक स्टेटमेंट है, सुन लीजिए, बताएंगे थाने के अंदर बलात्कार दरोगा, अरे सुनिए 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 आप सुनिए बलात्कार कर रहा है, आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे? थाने के अंदर कोई अगर भ्रष्टाचारी घुस गया है, क्रिमिनल टाइप के घुस गए हैं, तो उनको वही सजा हो रही है जो आपको हो रही है, आपके यहाँ जैसे देख के व्यक्ति तो देख के सजा नहीं तय हो रही है, और बुलडोजर चल रहा है तो सब पे चल रहा है, कितना प्रभावशाली उसमें भी चल रहा है, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएं? आप कौन सा लोहियावाद लेके चल रहे हैं? आप कौन सी फांसी समाजवादी? आपके बड़े नेता जिन्होंने समाजवाद की स्थापना की, डॉक्टर लोहिया साहब ने कहा था, आप कौन सा पालन कर रहे हैं? लोहिया साहब ने कहा था, याद करिए, इतिहास पढ़ लीजिए, कि शैतान और कांग्रेस हो, अगर हाथ मिलाना हो तो शैतान से भी हाथ मिला लेना, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना। आप क्या समाजवाद की परिभाषा लोहिया साहब के वक्तव्य में चल रहे हैं? लोहिया साहब शैतान से भी नीचे तुलना कर रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वक्तव्य था समाजवाद की जो उन्होंने स्थापना की है, उनका वक्तव्य आप खोज के निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र जी, दो चीजें हैं, पहली तो ये कि जब सुभाष जी कुछ बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, वो क्यों हंस रहे थे, और दूसरी दिवाकर जी ने जो अभी बात कही इस पर क्या जवाब? देखिए, अगर आप दोनों बातों का सार निकालते हैं, हाँ।
तो सबके बाद सबका जो सार है वो ये है कि सदन में जो चर्चा हुई है वो गलत है। अब उस पर हम अलग अलग तरीके से चर्चा निकालते हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। भाई सीधी सी बात है, आपकी भाषा शैली में इतना घमंड आ चुका है तो सामने वाला भी अपने उसमें आ गया, लेकिन उनको भी नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको तो बिल्कुल ले जाना चाहिए था क्योंकि वो फलदार वृक्ष है। हमारे यहाँ कहा गया कि फलदार वृक्ष की टहनी झुकी हुई रहती है और फलदार वृक्ष झुके हुए रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो ये हो गई। दूसरा, सामाजिक मर्यादा होती है, सदन की एक गरिमा है, उस गरिमा का पालन करना सदन के मेंबरों का कर्तव्य बनता है। मुझे लगता है कि आप जब इस तरह से अंदर करेंगे तो वही नफरत बाहर फैलेगी, बाहर समाज में जाएगी, हर चौराहे पे जाएगी, हर जगह जाएगी। ये कुल मिलाकर के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत निहायती वाहियात जो है वहां वार्ता हुई है। मैं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी वरिष्ठ नागरिक, जितने भी वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं, सभी सीनियर हैं, उनको मैं सुझाव दे देता हूँ कि आपको बहुत ही भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आपको लोग फॉलो करते हैं, एक एक विधायक को लोग एक एक लाख, डेढ़ लाख लोग फॉलो करते हैं, एक एक उप मुख्यमंत्री को फॉलो करते हैं, मुख्यमंत्री को फॉलो करते हैं, नेता प्रतिपक्ष को फॉलो करते हैं। तो आप अगर अपने फॉलोअर्स को इस तरह का संदेश दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप समाज को बिगाड़ रहे हैं। आप दोनों ही लोग उतने दोषी हैं जितना कि कोई एक व्यक्ति। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक। शैलेंद्र भाई, दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं, दिवाकर जी कुछ कह रहे हैं, जवाब ले लीजिए, फिर आ रहा हूं मैं। भाई अपने कांग्रेस के नेता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो कल्चर है एकदम इन्होंने फॉलो किया। अब भाषा अमर्यादित अगर निकल आई तो उसको वापस लिया जा सकता है, हमारे सीएम साहब ने जो कहा है। तो हम अभी आप उनकी तुलना शैतान से कर रहे थे, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे। नहीं, मैं शैतान से तुलना नहीं किया था, मैंने एक इतिहास बताया कि जो आप समाजवाद कर रहे हैं, फांसीवाद कर रहे हैं, उस पर आप फॉलो अप नहीं करते हैं। समय के हिसाब से परिभाषाएं बदलती रहती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब यह वक्तव्य उन्होंने दिया होगा तो अपने गुस्से में दिया होगा, आज वक्तव्य बदल गया। मैं इसको कहा कि समाजवाद और फांसीवाद की तुलना मत करिए, आज के परिवेश में जो बात है उसको लाइए, आप इतिहास में नहीं जाएंगे। इतिहास उस समय की जो परिस्थिति थी, अमेंडमेंट कितने संशोधन हुए संविधान में, संविधान जब बना संशोधन हुए ना, तो आप लकीर के फकीर नहीं है। आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति है, इस पे आप आइए, आप उसी इतिहास समझे। कुछ चीजें जो अच्छी है उसको इतिहास से लेंगे, और जो नहीं अच्छी है व्यवहारिक उसको कहेंगे हम नहीं जानते। तो आप परिस्थिति बदली, दो लड़के आए, आपने गठबंधन किया, फिर तोड़ा, सब कुछ किया, इसको मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपका पार्टी का मामला है, हर लोग अपने जीत हार के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, गठबंधन करते हैं। पिछली सरकार में प्रकाश जी हमारे साथ थे, इस सरकार हमारे साथ नहीं रहे, नहीं विचारधारा बैठी, फिर हो सकता है कि इस चुनाव में कौन किसके साथ आ जाए। जब एक वोट के लिए लड़ाई होगी तो कौन सा दल किसके साथ, रालोद किसके साथ जाएगा, ओम प्रकाश जी किसके साथ जाएंगे, जनसत्ता दल किसके साथ जाएगी, और एक पार्टी वन मैन हमारी बहन जी की है उमा शंकर सिंह क्या करते हैं। तो ये परिस्थितियां बदलती है, बातचीत तो चल रही होगी ना। नहीं, बातचीत देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि बड़े स्तर के नेताओं की चर्चा है, ये सड़क की चर्चा नहीं है, यह और चट्टी चौराहे की चर्चा नहीं है, ये बड़े नेताओं की कोर ग्रुप तय करती है, कौन जाएगा, कौन कहां से आएगा, इसके लिए वो बने। हम लोग तो उनकी नीतियों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बने, नीतियां बनाने के लिए हुए हैं। और कांग्रेस वाले शैलेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि यह बात, जब हमारे सीएम साहब जो कहे कि इसको वापस ले लिया जा, इसको कार्रवाई में न जोड़ा जा, इसका इन्होंने समर्थन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भाई, एक सवाल और था मेरा आपसे। सुभाष जी अभी दो विधायकों और प्रस्तावकों की कुछ बात कर रहे थे कि 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, तो क्या सपा के 8 प्रस्तावक थे या आपके भी कुछ विधायक गए थे वहां पर या नहीं गए थे, आप उस पर कुछ हंस रहे थे? नितिन भाई, इस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में कोई जानकारी है नहीं, और जबरदस्ती मैं इस पर एक्सपर्ट बनकर कोई बात कहूँ वो उचित नहीं है, क्योंकि ये अंदर की चीजें हैं, सदन के अंदर की, और वो वहीं से उन्हीं लोगों से आपको मालूम होगी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पार्टी लाइन की जो निर्देश होगा विधायक वही करेंगे। ठीक है, ठीक है। आरिफ महमूद साहब, सुभाष जी कह रहे हैं कि सदन में अखिलेश यादव अकेले दिख रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं उनके साथ के गठबंधन में वो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद आज वो इतना गुस्सा भी गए थे। तो भाई आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी है?
देखिए नितिन जी, सुभाष जी जो है बहुत बड़े नेता हैं, वो सारी चीजें भाग जाते हैं, उनको कहां से रालोद जो है सपोर्ट में नहीं दिखा इस गठबंधन के। अभी आप देख रहे थे जिस दिन सदन चल रहा था उस दिन रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन की इन्हीं लोगों ने ग्रोथ किया था, कहां विपक्ष का गठबंधन कहां बिखरा हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब देखिए एक बस जो मन में आया कह दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो दिखे वो कहना चाहिए। अब पता नहीं कहाँ से दिख रहा है रालोद इनका समर्थन नहीं कर रहा है, रालोद वोट किसको देगा। अरे भाई ये सवाल प्रश्न कहाँ नहीं, अभी दिवाकर जी भी कह रहे थे कि एक वोट की जब लड़ाई होगी तो शायद रालोद भी हमें वोट दे दें। कौन कह रहा था? दिवाकर जी कह रहे थे। मैंने ये कहा दिवाकर जी, देखिए दिवाकर जी तो बात अभी तो दिवाकर जी एक बात ये कह रहे थे, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, मैं जो कहा नितिन जी हमारी भाषा को दूसरे सब कहा है, मैं ये कहा हूँ कि कौन किसके साथ जाएगा ये कोर्ट में ये देखने का है। उसके साथ मैं कहा पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे, इस बार आपके साथ हैं, तो कौन किसके साथ हो गई नहीं हो गई है, मेरी बारी है, सुन ले आप भी, मैं आपको सुन रहा था जी। अब अभी अभी देखिए दिवाकर जी ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने इस तरीके से समर्थन कर दिया, उन्होंने अपनी बात भी नौजवानों के लिए कही और अपनी बात भी नहीं वापस ली। देखिए ये देश के बड़े नेता है दिवाकर जी, हमारी आपकी वो हैसियत नहीं है कि इन बड़े नेताओं को पहले कह चुका हूं। नहीं ठहरिए, हमारी बात सही जी ने जब प्रमोद महाजन के लड़के ने नशीले पदार्थ की सेवा की थी उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था कि किशोरावस्था में ऐसी गलतियां हो जाए। मैं उसका आपकी बात का समर्थन करता हूं। इन्हीं लोगों ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं पहले कहा कि बड़े स्तर के नेताओं में टिप्पणी नहीं करूंगा। में थे जो नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, देश के हरेक लोगों को हर वर्ग के बारे में ये सोचा करते थे, समझे आप। इनसे लोगों से हम लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं प्रेरणा लेता हूँ, मैं पहले का जो बड़े स्तर के नेता है उनके मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनका स्तर मेरा नहीं कमेंट करने का, उनका अनुसरण करना हमारा है। अभी आपने यही कहा था ना कि मुलायम सिंह जी ने वो अभी तक बात वापस नहीं ली। उनकी बात कहा उस समय की बात कहा कि उन्होंने शायद वापस भी अपने दिवाकर जी बड़ा सेफ खेल रहे हैं, लेकिन नहीं दिवाकर जी देखिए पलटिए ना साहब। नहीं मैंने मेरा आशा समझिए, मैंने ये कहा कि शायद उन्होंने अपनी बात वापस भी नहीं ली, मैं ये कहा। देखिए जब आप कंफर्म नहीं है तो आपको ये बात कहनी नहीं कहना चाहिए। अगर हमारे वरिष्ठ बैठे हैं आप उसका डिटो कर देंगे, ना कि वरिष्ठ बैठे हैं कि नहीं। ठीक है भाई, पूरा कीजिए आप क्या कह रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि देखिए सदन के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे को ऊपर टीका टिप्पणी हुई है ये बिल्कुल सही बात है। अभी सुभाष जी कह रहे थे कि भाई इस तरह की बातें कहीं आ जाती है, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि सार्थक बहस होनी चाहिए और उस बहस के अंदर लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए शब्दों में भी शालीनता होनी चाहिए। और ये वही नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक गलियारों में हर जगह लोकतंत्र को देखते हुए एक शालीनता शब्दों में होनी चाहिए। हम आप तो बहस कर लेते हैं, हम आप तो सारी बातें अपनी कह लेते हैं, मगर जब बड़े नेताओं की बात आती है तो साहब छोटे भी उन्हीं लोगों से सीखते हैं, तो उन लोगों को भी बिल्कुल मर्यादा में रह करके अपनी बात को कहना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारा और आपका काम नहीं है, हम नौजवानों का काम नहीं है कि हम किसी बड़े नेताओं पर टिप्पणी करें। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ हम खड़े हैं, हर संघर्ष में हम उनके साथ खड़े हैं, एक एक वोट में हम उनके साथ खड़े हैं, 2024 भी हम उनके साथ लड़ेंगे। ठीक है, ठीक, यही राष्ट्रीय लोकदल का कहना है, ये गलत राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के टिप्पणियां नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, नितेंद्र जी कुछ कहना है आपको। नहीं, हमारे साथियों ने देखो क्लियर कर दिया कि गठबंधन हमारा साथ खड़ा हुआ है और हम लोग अपने रणनीति के तहत अपने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और कैंडिडेट सामने आपके आएंगे और चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से दिवाकर जी ने कहा, मैंने उसका जवाब दिया तो उन्होंने अभी कांग्रेस को शैतान बताने लगे, ये चीजें बचना चाहिए। नेताजी के टिप्पणी को मैंने बता दिया कि समाजवाद हमेशा फांसीवाद के खिलाफ रहा है, तो हमेशा इन मर्यादाओं का ध्यान रखिए। आपकी अभी ये नहीं है कि आप समाजवाद को अभी समझ नहीं पाए, समाजवाद कितना गहरा है, आप अभी एकात्म मानववाद की एक लाइन नहीं समझ रहे हैं, तो अभी आप इस लेबल के नेताओं पर टिप्पणी मत करिए। डॉक्टर लोहिया का विशाल व्यक्तित्व था, डॉक्टर लोहिया वो शख्स है जिन्होंने कांग्रेस की विदेश नीति लिखी थी उस दौर में, और डॉक्टर लोहिया ने देश की आजादी की लड़ाई में भी भूमिगत आंदोलन में किए और लाहौर के अंदर बर्फ की सिल्लियों में लिटाए गए थे और उनके नाखून खींचे गए थे, उस स्तर के नेता है। अभी आप डॉक्टर लोहिया पर कमेंट करने कमेंट नहीं किया, मैंने उनकी तारीफ किया और परिस्थितियों पर व्यवहार बदलते रहते इसको मैंने कहा। और ये वही जनसंघ और वही भारतीय जनता पार्टी थी जो कभी समाजवादियों के साथ में सरकार बना रही थी, आज क्यों आप खड़े हैं? तो ये समय परिस्थितियां बदलती है, सरकार बनी है भाजपा की, तो सारी बातें होती है। ठीक है सुभाष जी,
खत्म कीजिए। जितेंद्र जी मेरा एक सवाल है, क्या कपिल सिब्बल जी राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के समर्थन से जा रहे हैं? देखिए उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन कराया है और अभी तक इस संदर्भ में मुझे बोलने के लिए कुछ अधिकृत नहीं किया गया है, जिसकी स्थिति कल तक साफ हो जाएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नितिन जी एक बात और मैं आना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले सारी बातें हो रही थी तो नितेंद्र जी ने बार बार समाजवाद की जो बात बोली है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो उल्लेख किया है बिल्कुल सही बात है, समाजवाद की जो परिभाषा है वो समाजवादी पार्टी में है या नहीं है इसके बारे में पूर्ण तरीके से तो क्या रहे नितेंद्र जी बताएंगे, लेकिन समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। कपिल सिब्बल जी आज ये कितना भी झुटला दें लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत देश के मीडिया ने दिखाया है कि सभागार के अंदर जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे थे कपिल सिब्बल जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद थे। अब मैं आता हूँ इनके समाजवाद वाली विचारधारा पर, ये जो बार बार समाजवाद की विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं ना कि समाजवाद का मतलब तो होता सबको साथ में लेके चलने का, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि कांग्रेस की सरकार थी तब प्रमोशन के अंदर एसटी एससी आरक्षण का जब मामला उठा था तो उसके अंदर इन्हीं कपिल सिब्बल ने सबसे पहले उठकर उसका विरोध किया था और उस आरक्षण बिल को फाड़ दिया था। ये वही कपिल सिब्बल जी हैं जब ओबीसी का 27% शिक्षा के अंदर आरक्षण की जब बात हुई थी इन्होंने अर्जुन सिंह का विरोध किया था, बाद में कांग्रेस ने कपिल सिब्बल के दबाव में आके अर्जुन सिंह को बाहर निकाल दिया। तो भैया नितेंद्र जी समाजवाद कहां गया? वही समाजवाद कपिल सिब्बल के पीछे खड़ा हो गया, कहां ओबीसी एसटी एससी की बात करते लड़ाई लड़ने की, अब कहां गई आपकी ओबीसी एसटी एससी लड़ाई की बात? जवाब है इसका आपके पास? जवाब है तो बताइए जरा। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैंने क्या कहा कि उन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है, अब निर्दलीय में कौन उनको साथ देगा कौन को नहीं देगा, हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर जो है वो हमारे कैंडिडेट नामांकन कर रहे हैं, इस पर कपिल सिब्बल का व्यक्तिगत जीवन में क्या स्तर रहा है, वो एक देश के जाने माने वकील है, एक बड़े समाजसेवी व्यक्ति है, उनका निजी व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थिति है, इस पर मैंने अभी पूर्व में कहा कि अब उन पर टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। नितेंद्र जी उन पर टिप्पणी की बात नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट बोला, ठीक है मान पे रहा हूं, निर्दलीय सुन तो लीजिए, निर्दलीय है तो ठीक है, निर्दलीय है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक समर्थकों के माध्यम से पर्चा दाखिल कर दिया और ये कह दिया कांग्रेस में नहीं है, अगर गठबंधन उनको राज्यसभा भेज रहा है तो क्या बुरा है इसमें भाई? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आरिफ भाई, बिल्कुल एकदम सही बात बोली आपने, मैं वही चाह रहा था कि वो आप दोनों में से किसी के मुंह से निकले, नितेंद्र जी ने तो टक कर दिया, आपने लेकिन स्वीकार कर लिया, यानी सीधे सीधे आप जो एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की जो बात करते हैं उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, आज आपने अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया कि आप दिखाने के लिए एसटी एससी ओबीसी की लड़ाई करते हैं और आप उसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो संसद के सत्र के अंदर एसटी एससी के आरक्षण के विरोध के अंदर बिल फाड़ता है, ओबीसी का 27% आरक्षण शिक्षा के अंदर उसका विरोध करता है, यानी आपका दोहरा चरित्र उजागर हो गया, दिख रहा है उत्तर प्रदेश की जनता देख रहे हैं, अरे भाई देख रही है चैनल के माध्यम से कि आप लोग कितने अच्छे एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं, सिर्फ आप उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं दूसरा कुछ नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अभी आपने कहा था कि समाजवादी अखिलेश जी के साथ आज की लोकदल के लोग नहीं दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे, आज कहाँ थे जब सैकल की जमीन बेचने की बारी आई थी तो अभी गिने चुने विधायक खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के थे, पूरे चैनल ने वीडियो फुटेज दिखाया, वीडियो फुटेज देखिएगा सारे चैनल पर चले थे, आरएलडी का सिंगल नहीं दिखा सिंगल, ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे इसी से बाहर निकले अखिलेश जी के लोग नहीं खड़े थे, आप बताइए कहाँ थे गठबंधन के लोग? अरे आपका गठबंधन है कहाँ? सरकार आपके पास गठबंधन है कहाँ? अभी आपके गठबंधन के सलाह दिए हैं, अभी आपके गठबंधन के माननीय ओम प्रकाश जी सलाह दिए हैं मीडिया के माध्यम से, लोग जाने हैं इस तरह से गठबंधन चलता है, एक दूसरे को नसीहत, एक दूसरे को नसीहत मीडिया में दी जाती है, आप अपनी नसीहत अपने अंदर दी जाती है, आप मीडिया में नसीहत दे रहे हैं, यही आपका गठबंधन है। ठीक है समय कम है, समय ठीक है अरे भाई ठीक है अरे भाई, मीडिया में बयान नहीं आना चाहिए, ठीक है जवाब जवाब नहीं देते तो मुद्दा बदलने की बात करते हैं, ठीक है बंद कमरे में दी जाएगी, ठीक है ठीक है, किसी सिंगल सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र हो रहा है और कल बजट पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है कि 6.10 लाख करोड़ का इस बार का ये बजट हो सकता है,
ये भी बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा, लेकिन इस बजट में किसकी इसकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी ये देखना अहम है। फिलहाल अभी तक की जो तीन दिन की कार्रवाई हुई है वो काफी गहमा गहमी भरी हुई है। पहले दिन भी विरोध हुआ और आज तीसरे दिन भी जो हुआ है उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये संसद या फिर विधानसभा में या फिर सदन में कहीं भी मान्य नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो नेता चुनकर जाते हैं वो जनता की बात रखते हैं और अगर जनता की बात चुनने वाले नेता इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।